हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ऑरेंज कट क्रीज मेकअप लुक, जो कि एक बेसिकली ट्रेडिशनल मेकअप लुक है। सो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। सो एंड आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें गाइज, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम करेंगे अपने फेस को अच्छे से प्रेप, क्योंकि प्रेप करेंगे अपने फेस को तभी हमारा मेकअप बहुत ही अच्छा एंड फ्लॉलेस दिखेगा। सो मैंने यहाँ गुड वाइब्स का टोनर लिया है, देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये पॉन्स का मॉइस्चराइज़र, एंड इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी। देन मैं यहाँ ले रही हूँ लैक्मे की ये सनस्क्रीन, क्योंकि समर सीजन आ चुका है एंड बहुत ही ज़्यादा धूप करती है गाइस, तो आपको अगर आप घर में भी हो तो आप सनस्क्रीन लगा के रहो, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके स्किन के लिए। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये मेकअप लोशन का ये लूज़ पाउडर। सो बेसिकली आज मैं ट्राई करने वाली हूँ टिकटॉक का फाउंडेशन हैक, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। सो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी ट्राई करती हूँ। सो मैंने पहले इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैंने अप्लाई किया है ये प्राइमर, एंड ये लैक्मे का प्राइमर है। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, एंड मेरा शेड है गोल्डन बेज। सो इसे मैं एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं नेक पे भी अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हमें नेक को ईयर को नहीं भूलना है। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये सिस ब्यूटी का कंसीलर, एंड इसे मैं अच्छे से अपने सारे हाइलाइटिंग पॉइंट पे लगा लूँगी अच्छे से। देन मैंने एक स्मॉल स्पंज लिया है, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, एंड मैं जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है मैं वहीं तक इसे ब्लेंड कर रही हूँ, मैं इसे फैला नहीं रही हूँ। सो आप भी ऐसे ही करें। देन मैं सेम लूज़ पाउडर अपने हाइलाइटिंग एरियाज पे अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, ताकि मेरी कोई क्रीज लाइन ना हो। एंड जो भी एरियाज़ मेरे लेफ्ट हैं मैं उसे इस मेबलिन के कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी। देन मैं सारे पाउडर को डस्ट ऑफ कर रही हूँ। सो कंटूरिंग के लिए मैंने ये ब्राउन शेड लिया है, आप देख रहे हो मैं बहुत लाइट हैंड से इसे अप्लाई कर रही हूँ। सो मैंने अपने चिक बोन्स को, फरहेड को, अपने जॉ लाइन को अच्छे से कंटूर कर लिया है। देन मैं करूँगी अपने नोज़ को कंटूर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन मैं ये पिंक शेड ले रही हूँ, एंड मैं इसे अपने चिक्स पे अप्लाई करूँगी। सॉरी गाइज, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डल लग रही होगी, बट मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। देन मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है, एंड इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ।
गाइज ये लाइट लाइटर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है एंड बहुत ही अच्छा ग्लो देता है ये फेस पे। देन मैं इन सबको अच्छे से सेट कर लूँगी इस गुड वाइब्स के टोनर से एंड इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना आई मेकअप। सो फर्स्टली मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ कंसीलर ताकि मेरे जो कलर्स हैं वो बहुत ही इन्हांस हो के आए। इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड इस पाउडर से मैं इसे सेट भी कर ले रही हूँ। देन मैंने लिया है ये मेकअप लोशन का रिलोडेड पैलेट एंड इसमें से मैं ये लाइट ऑरेंज शेड लेके अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड। देन मैंने लिया है ये ब्राउन शेड एंड इसे मैं सेम ऑरेंज शेड के साथ ब्लेंड करूँगी। देन मैंने यहाँ लिया एक क्लीन ब्रश एंड मैं सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। गाइज आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, आप ब्लेंडिंग अच्छे से करेंगे तो आपका आई मेकअप बहुत ही अच्छा दिखेगा। सो आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करें, थोड़ा टाइम दें। देन मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ अभी। देन मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं सेम कलर को अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ एंड इसे ब्लेंड करूँगी एंड इसे मैं इनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। देन मैं ये ले रही हूँ ब्लैक शेड एंड मैं हल्का सा इसे बस आउटर कॉर्नर में प्लेस कर रही हूँ एंड देन ब्लेंड कर रही हूँ। देन हम करेंगे कट क्रीज एंड मैं धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। सोया देन मैं अप्लाई करूँगी ये शिमरी ऑरेंज शेड या देन मैं अच्छे से दोनों कलर्स को मर्ज कर ले रही हूँ। सो हल्का सा मैं ये ग्लिटर अप्लाई करूँगी मिडिल आईलेट पे। सो आईलाइनर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ये स्टेक वर्की का आईलाइनर। मस्करा के लिए मैंने यहाँ लिया है मेबलिन का मस्करा। देन मैं अप्लाई करूँगी काजल एंड ये मेबलिन का काजल है। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये ग्रीन शेड एंड इसे मैं अपने लोअर लेस लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ।
देन मैं ले रही हूँ ये ब्लैक शेड और इससे मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने यार लिया है लैक्मे की लिपस्टिक इन द शेड रेड। इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। सो डन। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। अगर ये लुक आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को हिट कर दें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।